जब मैं बॉम्बे आया था मुझे जिसके पास रहना था उसने फोन नहीं उठाया था ब्लॉक कर दिया था नहीं से मेरे को पता चल गया था कि भाई कोई अपना नहीं है अभी तुझे सब कुछ खुद से करना है लोगों को पहचानने लग गया हूं कि कौन रियल है मेरे साथ कौन फेक है अगर कोई मेरे सामने बहुत ज्यादा ही कर रहा है फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता फिर मेरा वो फूटेगा फिर फिर मैं करना भी नहीं चाहूंगा रोहित सर अमेज हो गए थे उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि वहा अभिषेक मतलब तू तो एक

जैसे सांप वाला स्टंट हो रहा है और पीछे से ऐसे ऐसे कर दिया आपने फनी कंटेस्टेंट कौन था करण भाई करणवीर रोमेनिया की सारी लड़कियां बहुत सुंदर है पास शूट कर रहे हैं तो इतनी लड़कियां जा रही हैं तो मैं बोलता है कितनी सुंदर है वो तो ज्यादा सुंदर

मतलब जब सब अच्छा हो रहा हो ना तो आप खुद में भी अच्छा वो फील करने लग जाते हो चीज़ें पॉजिटिव ज़्यादा होने लग जाती हैं आपका थोड़ा और अच्छा हो जाता है और तरीके में बहुत बदलाव आता है जैसे मेरे में तो बहुत चेंज आया आफ्टर बिग बॉस मैं जो एक अलग उसमें रहता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा अब मैं थोड़ा रियलिटी में आ गया हूँ कि अच्छा इसको करने के लिए ये करना है ये करना बहुत ज़रूरी है इसके बिना तो ये नहीं कर सकता तो मेरे में वैसे चेंजेस गुड चेंजेस बहुत आए हैं आफ्टर बिग बॉस और लोगों को पहचानने लग गया हूँ कि कौन रियल है मेरे साथ कौन फेक है कौन मेरे साथ रहेगा कौन बस मेरे आगे, आगे ऐसे ऐसे कर रहा है और खतरों की बात की जाए तो खतरों का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था मतलब वही जिस मैंने ट्वीट भी किया था कि जितना डिस्टर्बिंग मेरा बिग बॉस रहा है मैं जितना रोया हूँ बिग बॉस में मैं उतना ही हंसा हूँ खतरों में और ही, खुद को हीरो बनते हुए देखा है मैंने कि हाँ ओ भाई ये वाला स्टंट तो हमने ये वाला तो फिल्मों में देखा था ये करना कूदना एरोप्लेन से गिरना हेलीकॉप्टर पर चढ़ना ट्रकों पर चढ़ना पानी में भागना तो ये सब खतरों में हमने फिल्मों में देखा तो मैं खुद को परफॉर्म करने को मिल रहा था तो ऊपर से रोहित सर जो नंबर वन एक्शन डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के इंडिया के वो हमें गाइड कर रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है फोबिया को ओवरकम किया काफ़ी हद तक मुझे लगता है जब मैंने साइन कर लिया था ना उसके बाद से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था मैं जैसे लिफ्ट में आने लग गया था मैं अकेला अभी भी नहीं आ सकता और एक नई लिफ्ट में नहीं जा सकता मैं हाँ। जैसे मैं घर की लिफ्ट में चला जाता हूँ मैं जिम की लिफ्ट में चला जाता हूँ Uh, मैं थिएटर मूवी थिएटर एक ही जगह जाता हूँ मैं वोसी में लिफ्ट में जाना तो उसमें मैं चला जाता हूँ अभी अभी भी हम आ रहे थे तो मैं नहीं आ पा रहा था तो कृष्णा आ गई एक दिन से तो मैं कृष्णा के साथ आ गया क्योंकि एक नॉन इंसान हो आपके साथ तो आप आ सकते हो तो काफ़ी हद तक ओवरकम हुआ है और काफ़ी फोबिया उसका पता भी चला है कि अच्छा ये भी है मुझे जैसे मुझे पता चला है कि

मैं जब घर से भाग गया था ना बॉम्बे आ गया था कि मुझे एक्टर बनना है जब मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं 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 तुमने इंजीनियरिंग कर ली अब तू मतलब पापा के साथ बिजनेस संभाल जब मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा था मैं तब से ओवरकम करना सीख रहा हूँ क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था मुझे जिसके पास रहना था उसने फ़ोन नहीं उठाया था ब्लॉक कर दिया था फ़ोन मुझे तो वहीं से मेरे को पता चल गया था कि भाई कोई अपना नहीं है अभी तुझे सब कुछ खुद से करना है तो मेरी जर्नी ही वैसी रही है मुझे ऐसा तो लगता है मैंने ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया कि मेरे को पता चल गया कि अगर मैं किसी भी सिचुएशन में आ जाऊंगा तो मुझे पता है वहां से निकलना कैसे है या जैसे बोलते हैं ना कि वक्त बदलता ही है तो अगर आपका वो बुरा पीरियड है तो वो चेंज होगा अगर आप मेहनत कर देगा तो, तो मुझे तो लगता है मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तो मैं खुद को लकी भी समझता हूँ क्योंकि

Uh, मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई मेरे सामने बहुत ज़्यादा ही कर रहा है फिर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता फिर मेरा वो फू फूटेगा फिर फिर मैं करना भी नहीं चाहूँगा पर मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया क्योंकि uh, खतरों में भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं वो होती डेफिनेटलीटली पर मैंने उसमें मैंने बहुत कामली हैंडल किया पता है और रोहित सर अमेज हो गए थे उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि वाह अभिषेक मतलब तू तो एक बॉय से एक मैन बन गया मैं तुझे पता चल गया कि कैसे हैंडल करना है और कहता कहते कि आ, मेरा परसिप्शन था जो बिग बॉस में तेरे लिए वो तूने बिल्कुल चेंज कर दिया तेरे मम्मा पापा बहुत प्राउड फील करेंगे वो जब मैंने वो सुना ना मेरे को बहुत अच्छा लगा कि रोहित सर ने इतनी बड़ी बात बोल दिया तो मैं हो गया हूँ मैं बहुत शांत हो गया हूँ मैं काम हो गया हूँ कि यार ये वो शो नहीं है जहाँ पे मेरे को अपने मुद्दे रखने हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है पॉइंट ऑफ व्यू है बट मैं उसको अच्छे तरीके से दे सकता हूँ

फ्लैटर नहीं हो गया था बट वो अच्छी थी मतलब जब वो उसकी ना एक दिन छुट्टी होती थी मेकअप तो, uh, के टाइम तब मैं खुद मेकअप करता था मैं कहता था और किसी से नहीं करवाऊंगा <laughs> हाँ तो वो अच्छी थी लव तो नहीं था वो शी वाज कमिटेड यार वो फ़न चल रहा था फ़न वाला सेगमेंट था पर वो रोमानिया की सारी लड़कियां बहुत सुंदर थी जब हम रियलिटी शूट करने जाते थे ना और जैसे पास में शूट कर रहे हैं तो इतनी लड़कियां जा रही हैं तो मैं बोलता था यार कितनी सुंदर है ओह ये भी कितनी अरे वो तो ज्यादा सुंदर है तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी वाली ज्यादा सुंदर है बट रोमेनिया की लड़कियां बहुत सुंदर हैं है। पुलिस वाली इतनी सुंदर थी भाई वो जो शॉट देखा ना अपने प्रोमो जिसमें शालिन भाई मैं और वो चला रहे हैं छोटी सी कार तो हम रोड पे आ, कार चला रहे हैं और आ, हमने एक रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है ना अपनी शूट के लिए तो पुलिस वाले वहीं पे खड़े हैं वहां पे ना दो लेडी पुलिस वाली थी मैंने कहा भाई यार शालिन भाई बात करो ना यार जाके यार आप तो कह रहे थे पटवाऊंगा साले मैंने बोला था पटवाऊंगा ये नहीं कहा था पिटवाऊंगा <laughs> <laughs> की सुंदर सुंदर लड़कियाँ फिर जब मैं बहुत पक गया फिर मैंने एक व्लॉग में बोला कि नहीं यार हिंदुस्तान की पवित्रता और सुंदरता हिंदुस्तान में ही है True. जाना वही है तो चलते हैं इंडिया में अभी ना ये स्पेल टी से आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आपको दूसरे आप अपना नाम नहीं ले सकते ओके okay, आपकी सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ हुई कृष्णा uh, शालीन भाई इवन भाई के साथ तो हुआ आपका? जी? कौन जल्दी से डर जाता था स्टैंड देखते ही शो में डर जाता था मैं <laughs> आपको अपना नाम ही नहीं देता कौन डर जाता था आपके बाद यार कोई नहीं डरता था यार सच में मैं बोल रहा हूँ ना ये बैच ऐसा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन क्या कर जाए मेरे को नहीं सेम जवाब कश्मीर ने भी दिया बट ये फैक्ट है ये सोचो दो लोग सेम आंसर कैसे दे सकते हैं ये रियलिटी है कि जैसे पता चल जाता है ना कि यार ये तीन अच्छा ये अच्छा कर जाएगा हाँ। हमें हाँ। पता ही नहीं चलता था कि कौन बेटर कर जाए और बहुत स्टंट्स में ऐसा हुआ है हाँ। जैसे कोई स्विमर है वो स्विम वो स्विमर है वो पानी वाला स्ट सबसे बेकार कर रहा है जिसको कुछ नहीं आता वो जीत गया तो ऐसा हुआ है और सब इतने डेडिकेटेड थे इतने थे ना इतने मोटिवेटेड कि हमें करना है हमें करना है हमें जी जान लगानी है। और एक्चुअली क्रू ने प्रोडक्शन ने बोला कि ये बैच सबसे बेस्ट आया अभी तक का टेन में से नाइन नंबर्स देंगे हम जो सबसे बड़े हैं उन्होंने बोली है ये चीज कंटेस्टेंट कौन था सबसे करण भाई करणवीर आर्ग्यू कौन करता था सबसे ज्यादा आर्ग्यू निमृत निमृत तो बहुत आर्ग्यू करती थी हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी और फिर मैंने कहा मैं शांत हो जाता हूँ आप बोलते रहो भाई बट <laughs> हमारा बॉन्ड बाद में स्ट्रोंग हो गया पहले थोड़ा डगमगाया था और बाद में अच्छा हो गया बट निमृत बहुत आर्ग्यूमेंट करती थी रोहित शेट्टी से सबसे ज्यादा डांट किसने खाई नहीं, नहीं डांटा सर ने सर इतने खुश थे मतलब हमारा बैच देख के और कोई कोई वैसे वाले जोन में ही नहीं था कि बॉड करना है सब एटलीस्ट एफर्ट पुट करते एफर्ट्स पुट करते थे तब जाके अगर कुछ हो गया तो ठीक है ऐसा नहीं कि मैं करूंगा ही नहीं जैसे मैंने सीजनस तो नहीं देखे कोई प्रॉपर बट मैंने सुना हुआ है या देखा भी है थोड़े बहुत एपिसोड्स में कि वो पहले अबॉट करते सर मैं नहीं कर पाऊंगा बट इसमें ऐसा हुआ ही नहीं और सर खुश थे कि यार एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो आप करना चाहते हो तो सब खुश थे बहुत अच्छे जोन में थे सभी जो है अच्छा लास्टली सबसे ज्यादा <laughs> प्रैंक्स किसने किए या आपने किस पे प्रैंक किया प्रैंक हम कृष्णा भाई करते थे <laughs> कृष्णा जैसे उनसे इंसेक्ट से बहुत डरती थी तो जैसे आ, कर दिया तो भैया जैसे सांप वाला उधर स्टंट हो रहा है और पीछे से ऐसे, ऐसे ऐसे कर दिया हमने है ना और सांप चल रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा हुए हैं प्रैंक्स कृष्णा पे जैसे मैं करण भाई शारिन भाई सब बहुत ज्यादा करते थे या शुमोना जी पे करते थे थैंक यू सो मच अभिषेक टू वॉच योर जर्नी आपकी जर्नी का इंतजार है खतरों भरी जर्नी का बहुत अच्छी है मजा आएगा आपको सच <laughs> so में थैंक यू सो मच थैंक गाइस मेरा नाम अभिषेक कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बगल पे